Hello everyone, it's Vinay Srivastava and welcome to my YouTube channel Maths with Vinay. And in this video we will discuss with you the question number 2 and 3rd of exercise 8.5 for class 6. So let's check the video. The question number 2nd is, Rashid spent rupees 35.75 for maths book and 32.60 rupees for science book. Find the total amount spent by Rashid. That means क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि राशिद ने मैथ्स बुक पे 35.75 रुपीस स्पेंड किए हैं एंड ही स्पेंड ऑन साइंस बुक इज 32.60 रुपीस, राइट। अब हमें बताना है कि ओवरऑल जो इनने दोनों बुक्स खरीदने में जो अमाउंट स्पेंड किया है वो कितना किया है, वो फाइंड आउट करना है। सो लेट्स चेक द सोल्यूशन। राशिद spend money for maths book, right, and the maths book amount is the 35.75, right, and he spent money for science book rupees 32.60, right। तो हमने लिख लिया यहाँ पे राशिद स्पेंड मनी फॉर मैथ्स बुक इक्वल टू 35.75 रुपीस एंड ही स्पेंड मनी फॉर साइंस बुक इक्वल टू 32.60 रुपीस, यानी कि आप दोनों का आ गया। अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट स्पेंड कितनी की राशिद ने ये हमें बताना है। सो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद, तो राशिद ने कितनी अमाउंट स्पेंड किया उसके लिए क्या करेंगे, वी सम द बोथ द नंबर्स। अब हमें क्या करना है, दोनों अमाउंट को प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। सो देयर इज द 35.75 रुपीस एंड रुपीस 32.60। अब ये दोनों अमाउंट अगर दोनों को ऐड करेंगे, आप कॉलम मेथड से ये डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ, राइट। तो देखो कॉलम मेथड से ऐड करने देखते हैं यहाँ पे, ताकि हमें दोनों चीज़ें पता चल जाएँ, कैलकुलेशन भी आ जाएगी और डायरेक्ट आंसर भी हम लिख सकते हैं। तो देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, देयर इज द 35.75 एंड 32.60, राइट। वी ऐड बोथ द नंबर्स, 50576 13 का 31 कैरी, 516 6 and 2 8 their point and 3 3 कितना 6, that means hence Rashid spent rupees 68.35 for both books। Now let's check the question number 3rd. The question number 3rd is, Radhika's mother have her rupees 10.50 and her father gave her rupees 15.80 rupees. Find the total amount given to Radhika by the parents. That means Radhika ki mother ne Radhika ko 10.50 rupees diye and father gave her rupees 15.80, okay। So you find the total amount given to Radhika by the parents, yani ki Radhika ko parents ke dwara kitne amount di gayi hai, ये फाइंड आउट करना है। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। राधिकाज मदर गेव हर मनी, कितना मनी दिया उसकी मदर ने, रुपीज 10.50, राइट। एंड राधिकाज father gave her money, और राधिका के father ने कितनी money दी उसको, rupees 15.80, right। Now we find the total amount, तो हमें क्या करना है, दोनों को add करना होगा। Here total amount given to Radhika
अब राधिका को कितना अमाउंट मिला है तो क्या करेंगे, वी एड बोथ द नंबर्स, बोथ द मनीज, 10.50 प्लस रुपीज 15.80. नाउ वी एड बोथ द नंबर्स, देयर इज अ 0 0, दैट मीन्स 0, 5 and 8, 13 का 3, 1 कैरी, 5 1 6 6, पॉइंट लगा देंगे, 1 and 1 2, दैट मीन्स 26.30 रुपीज़.